आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक और अपने जाप पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट नहीं करते हैं, जैसा कि अभी कल एक विद्यार्थी ने भाई ने मैसेज किया था कि आप जो है मतलब सही से प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से साल भर में 20-25 विद्यार्थी भी नहीं जुड़ते आपके चैनल पे। सबसे अहम बात यह हो जाती है कि आप लोगों में कितनी लायबिलिटी है, ठीक है ना, मेरे प्रति। ठीक, हम तो अपने प्रयासों के माध्यम से आपको वो चीजों की झलक दिखा भी देते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं फोन करके पूछते हैं एलटी का विज्ञापन कब आ रहा है, मतलब हद है। इन्फॉर्मेशन अगर प्राप्त करनी है तो आप वीडियो देखिए, और यदि आप सोचते हैं कि हम टेलीफोनिक वार्ता पे हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि चैनल पे कितने लोग जुड़ रहे हैं कितने लोग नहीं जुड़ रहे हैं डजंट मैटर, कोई मामला ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इस चीज को लेकर के हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना 100% एफर्ट दें, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं, कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है, खासतौर पर वो जब सामने वाला व्यक्ति जो है रूलिंग पार्टी में ही हो तो उसको और भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप सभी लोगों के माध्यम से वो चीजें हमें दिख भी नहीं रही हैं, तो 100% एफर्ट की आप कैसे उम्मीद कर सकते हो। भाई झलकियां आप सभी लोगों को दिखा दी जाती हैं, सपोर्ट करिए फिर उसका रिजल्ट लीजिए। यही चीजें हमने उन महाशय से भी कही है ना। रही बात जुड़ने ना जुड़ने की, तो ये अपना अपना फंडा है, ठीक है। मैं अगर इन सारे मुद्दों पर लेकर के काम करता तो बहुत सारे कंटेंट हैं जिस पे वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है, अगर इसी चीज को लेकर के चले तो। लेकिन हमारे कंधों पर 12,000 से अधिक हमारे भाई बहनों की जिम्मेदारियां हैं और उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी आशाएं हैं, और उन चीजों को फुलफिल करने की हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बस उन्हीं सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बाकी तो होने वाला जो होता ही रहता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं 97 41 13 85, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे ही अपने किसी भी प्रतियोगी जीवन की समस्या को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं। अभी एक भाई ने यूपी SSSC की कोई अकाउंटेंट ऑडिटर का कोई वैकेंसी है, 2022 PET के आधार पे आया था, लगभग 6,000 से अधिक विद्यार्थी उसमें रजिस्टर्ड हैं, मतलब उनको पेट की मेरिट से उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन पेपर का कोई इतना पता नहीं है, 2 साल बीतने को है, विद्यार्थियों ने इस चीज को सेंड किया है, देखते हैं उनका भी मैटर क्या है। तो आप 97 41 13 85 पर हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप TGD PGD 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, क्योंकि आज मैटर क्लियर होगा कि सरकार की तरफ से लिखित तौर पर जवाब कब तक आ रहा है, और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इमोशनल जो है मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन इमोशनल तौर पे जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमोशनल कार्ड नहीं चलता है, ठीक है, ये चीजें अलग होती हैं, ठीक है, इमोशनल चीजें नहीं होती हैं, जो कुछ भी होती है नपी तुली फूक फूक के कदम रखी जाती है ताकि कहीं भी कुछ भी बिगाड़ नहीं होने पाए, ठीक। और पता लगे कि आप इमोशनली जो है मतलब उस चीज को टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे तो मामले बिगड़ जाते हैं, ठीक। तो आप हम पे विश्वास भरोसा करके आते हैं कि हाँ भैया की न्यूज सही होती है, भाई की न्यूज सही होती है, जो चीजें बोलते हैं वो होती है, तो आप उन सारी चीजों को जो है आत्मसात करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इमोशनली इस चीज को जो है वो चीजें कर पाना फिलहाल तो संभव नहीं होता है, धैर्य रखना सीखिए, प्रतीक्षा करनी सीखिए, ठीक, क्योंकि हम सरकार नहीं है, ठीक है ना। सरकार अपने समय पे ही चीजें करती है, हाँ उन तक वो समस्याएं पहुंचाई जा सकती हैं और वो समस्याएं सुनी भी जाती हैं, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है, लोकसभा इलेक्शन के बाद उनको सब चीजें पता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीजेपी को ये चीजें पता नहीं है, सब कुछ पता है, तो कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है,
और लोकसभा इलेक्शन के बाद तो जो है मतलब दो चीजें तो एकदम क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना, कि कौन देता है कौन नहीं देता है, तो वो मुद्दा अलग है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से हम स्वयं भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और वो चीजें आप जाहिर न किया करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से जो स्नेह हमें मिलता है उस स्नेह का मोल हम कभी नहीं चुका सकते, और ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी। बार बार मैसेज करके इमोशनली जो है टॉर्चर करना ये सही नहीं है। समय आने पे सब कुछ होता है, वक्त आने पे सब कुछ होता है। एक भाई ने कहा कि हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा क्या? अरे भैया, हम क्या नौकरी बांटने के लिए बैठे हैं क्या? होम डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हो हमसे? ऐसे ऐसे जो है मतलब व्यक्ति भी आ जाते हैं कभी कभी, कि हंसने का मौका मिल जाता है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं आज के टाइम में, ठीक, कोर्ट का आदेश आया, आपको नियुक्ति निदेशालय से प्राप्त होगी, ठीक है ना, उनके कोर्ट के आदेश पे ही नियुक्ति प्राप्त होगी। अब जहां सीटें रिक्त हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सीटें रिक्त हों, जहां सीटें रिक्त होंगी वहां आपको जाना पड़ेगा। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि हमको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हम यह जीते, हम जीत करके आए हैं, तुमको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ये चीजें तो हो नहीं सकती ना। तो ये चीजें आप लोगों को भी समझनी पड़ेंगी। आप एक भावी शिक्षक हैं, आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, और इस तरीके की भाषाएं, इस तरीके के अप्रोचमेंट वो सही नहीं लगता, ठीक। थोड़ा मेच्योरिटी का जो है नुमाइंदगी भी किया करिए, और कोशिश ये किया करिए कि नपे तुले शब्दों में ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, ना ज्यादा हो ना ज्यादा चो, दोनों सी होनी चाहिए। चलिए आते हैं अपने खबरों पर। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया था कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की मीटिंग होगी, और इसी में आप लोगों का आज क्लियरेंस होने चल रहा है पीसीएस आदि को लेकर के भी, साथ ही साथ एलटी और टीजीटी की नियमावली को लेकर के भी, ठीक है ना। और नियुक्ति के संबंध में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चार उप सचिवों की नियुक्ति का आदेश भी आज के ही तारीख में जारी होगा, ठीक है ना, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और 12 प्रस्तावों को मंजूरी है, लेकिन उच्च शिक्षा, माध्यमिक उच्च शिक्षा का नाम तो चलो ठीक है ले लिया यार, अच्छी बात है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को जो है उसमें अप्रूवल नहीं दिया गया है, मतलब सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन ये सभी नियमावलियां जो है आज अप्रूव्ड होंगी, और आप सभी लोगों को इन सारी चीजों पर जो है गुड एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। सबसे अहम हो जाता है कि जो विद्यार्थी ए रिलैक्सेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज इसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चिंता ना करिए, लोकभवन में आज कैबिनेट की मीटिंग है। जो लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो चुनाव चल रहा है, चुनावी आचार संहिता है तो कैसे होगा, तो चुनावी आचार संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं है, कुछ कुछ जिलों में है, 8-9 जिलों में है, तो उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी और आपकी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, तो आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, जो आपका भाई आप लोगों को अपडेट देता है ना, ऐसा नहीं कि बस कमरे में बैठ गए और आराम से वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई लेना लादना नहीं। हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हम आपको कोई चीज बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस पर हम अपने जी जान से कोशिश करें ताकि आप लोगों को सकारात्मक रिजल्ट मिल सके। कभी कभी सफलता मिलती, कभी कभी असफलता मिल जाती, तो ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं भैया ना तो लोक सेवा आयोग कोई पेपर करा पा रहा है, ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग करा पा रहा है। अच्छी बात है, वो तो सभी विद्यार्थी देख रहे हैं, लेकिन आज ही पीसीएस को लेकर के निर्णय होगा, और आज ही टीजीटी वगैरह को लेकर के भी निर्णय शिक्षा सेवा चयन आयोग कर सकता है, क्योंकि जैसे ही पीसीएस को अप्रूवल मिलेगा वैसे ही तत्काल जो है, आज उस एसओपी पे भी चर्चा होगी जो एसओपी प्रमुख सचिव स्तर के लोगों ने बनाया हुआ है, उस पर भी आज चर्चा होगी कि आयोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्यों, क्योंकि आज सभी अधिकारियों को बुलाया गया है, आज उनका प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी, क्या समस्याएं आ रही इस एसओपी को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग के भी अधिकारी मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अधिकारी मौजूद होंगे, और कैबिनेट की मीटिंग होने के पहले इन सभी अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, और कैबिनेट की मीटिंग में इन सारी चीजों पर चर्चा भी होगी, ठीक है ना।
तो जहां जो दिक्कतें आ रही हैं उन सारी चीजों को दूर किया जाएगा। ठीक, तो निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। अब आप सभी लोगों को, रही बात नए विज्ञापनों को लेकर के, इधर से अप्रूवल मिला नहीं, उधर से विज्ञापन आया नहीं, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहें, जो चीजें होंगी अच्छी ही होंगी, और हम लोगों का भी यही प्रयास होता है कि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर। देखिए, नेतागिरी से ऊपर उठ करके जो है काम करना पड़ेगा, तभी छात्रों का हित हो सकता है। अगर कोई ये सोचे कि हम फलाना ग्रुप से आते हैं और हम इस चीज को जो है अप्रूवल दिला लें, है ना, धरना प्रदर्शन कर लें, ये कर लें, 10-20-50-100-200-500 विद्यार्थियों को एकत्रित कर लें, चींचू कर लें, और उससे जो है सरकार झुक जाएगी और सरकार मान जाएगी, तो ये गलतफहमी होती है, ठीक है ना। शासन तो शासन ही होता है, उससे जितने आसानी से प्रेम से आप वार्ता करके अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं, उतना आप हो हल्ला करके नहीं सुन सकते, ठीक है ना। तो ये जो छुटभैये नेता टाइप लोग होते हैं वो नेतागिरी करने लगते हैं तो चीजें और भी ज्यादा डिले होने लगती हैं फिर, क्योंकि अधिकारियों से वो टोन में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे 400 विद्यार्थी खड़े हैं भैया, है ना, तो वो टोन में बात करेंगे, अधिकारी किसी को सेटते नहीं। फिर जाओ, ठीक है, हम कर रहे हैं, करते करते जो है 6 महीने साल भर बिता देते हैं, आओ करो, करना तो नहीं हुआ ना। तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें हो जाए वही बेहतरीन है, ठीक है। तो समय के साथ साथ आप सभी लोगों को भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। हम सभी लोगों के माध्यम से जो प्रयास होते हैं उन प्रयासों में आप सभी लोगों का हित ही होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने हित के लिए लखनऊ गए थे, ऐसा भी नहीं है कि हमने त्यौहार जो है अपने लिए छोड़ दिया, सिर्फ आप सभी लोगों का कल्याण करने के लिए, कि आप लोग इतने परेशान हैं तो चलो उस चीज को हम लोग जो है अप्रूवल दिलाते हैं, कोशिश करते हैं, और वो चीजें हुई भी। हमने आपसे कहा था ना कि 2-3 दिन के भीतर उन्होंने कहा है कि हम कैबिनेट की मीटिंग लेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, आज है ना कैबिनेट की मीटिंग, तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका भाई मौजूद है। आप लोग जितना अधिक आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों तक डिलीवर होगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 97-41-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।